ललितपुर विधानसभा में ग्रामीण अंचलों में आज भी कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण अंचलों में सड़कें आज भी खराब हैं। सड़कें अगर बन भी जाती हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। आप देखिए, इस सड़क बनवाई गई थी लेकिन पुलिया जो है या सड़क है वो पूरी तरीके से जमी दोज होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि रख रखाव मेंटेनेंस कुछ हुआ नहीं है और नेता अपनी रोटियाँ सेंकते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। तो हम खड़े हुए मैनवारा से आगर को जो जनसंपर्क मार्ग है वहां पर विकास चौतरफा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का विकास की आपको दिखा दें कि लोग निकलने के लिए कैसे यहां पर निकलते होंगे गाड़ी घोड़ा। हम जहां पर खड़े हैं शायद जिला पंचायत द्वारा सड़क बनाई गई होगी, किसी भी विभाग से बनाई गई हो, लेकिन जो पुलिया है उसमें भी भ्रष्टाचार। सड़क थोड़ी सी पानी में बह गई, उसके बाद कोई मरम्मत का कोई काम नहीं। ज्यादा दिन पुरानी ये बनी दिख नहीं रही है, ताजी ताजी बनी होगी जो भी समय हो, थोड़े से पानी में निकल चुकी है। किसी भी विभाग द्वारा बनाई जा सकती, हो सकता है ब्लॉक के माध्यम से बनाई गई हो, किसी भी विभाग द्वारा, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर दिखाई दे रहा है। सड़क है, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, दो गांवों को जोड़ता है, यहाँ पर राशन लेने के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर केवल ऐसी चीजें और नेता अधिकारी भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम नजर आते हैं। जमीन हकीकत तो यही बचाती है। हम गांव चौपाल के माध्यम से गांव क्षेत्रों में जा रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं, जनता और जनता के बीच में जो नेताओं ने भाषण दिए थे उनकी बात कर रहे हैं, विकास भी देख रहे हैं, विकास दिखा भी रहा है कि क्या क्या हो रहा है। दादा क्या नाम? राम राम। कैसे हाल चाल है? क्या सड़क कैसे खराब हो गई? बनी थी पहले पानी में, भ्रष्टाचार वहां है, मतलब ऐसी बना दी टेम्परेरी, कब से नहीं बनी थी? भैया कहाँ आओ, कितने की आओ? मेन वाई क्यों डेली ऐसी निकल का बस का में वो खराब, जब कब बनी थी? जिंदगी ऐसी निकल गई, ऐसी कच्ची कच्ची रोड देखा देखा। जखौरा से कितनी दूर रह गई? जखौरा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे जो हालत है आप समझ सकते, विकास कितना तेजी से भाव है। नमस्कार।